श्रीमद्भागवत में ये बात कही गई है कि मनुष्य के कल्याण के लिए तीन मार्ग हैं, ज्ञानम कर्म च भक्ति नान्य उपायोस्ति कर्म। तब आप कल्याण की बात पहले निश्चय कर, आपका कल्याण धरती पर रहता है कि आपका कल्याण वैकुंठ में रहता है कि आपका कल्याण आत्मा है। ये बात पक्की हुए बिना आपका रास्ता तय नहीं होगा। आप क्या पाना चाहोगे? मान लो आप बहुत धन पाना चाहते हैं, बहुत दुख पाना चाहते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी है। पर अपने बारे में साफ तो होना चाहिए ना, स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या पाना चाहते हैं। अगर आपकी बुद्धि में ही बात साफ नहीं है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो रास्ते का निश्चय कैसे होगा? एक आदमी स्टेशन पर गया, रेलवे स्टेशन पर, पैसा हाथ में लेके खिड़की में डाल दिया हाथ। टिकट बाबू ने पूछा कहाँ की टिकट चाहिए? बोले चाहे जहाँ की दे दो। तो ऐसे टिकट लेने से क्या फायदा होगा? आप कहाँ पहुंचेंगे? आपको मालूम होना चाहिए कि हमको अमुक स्टेशन पर जाना है और अमुक जगह की टिकट प्राप्त करनी है। हम बहुत ईमानदारी से ये बात आपको कहते हैं कि धन के रूप में भी भगवान है, भोग के रूप में भी भगवान है। भगवान का ही एक रूप है ये सब। सारा विश्व भगवान की रचना है, ऐसा मध्वाचार्य कहते हैं, नैयायिक कहते हैं। ये सारा विश्व भगवान का शरीर है, ऐसा रामानुजाचार्य कहते हैं। जीव भी भगवान का शरीर है और जगत भी भगवान का शरीर है। वल्लभाचार्य कहते हैं कि संपूर्ण जगत के रूप में भगवान ही अपने संकल्प से प्रकट हुए। निम्बार्काचार्य कहते हैं वही
कार्य है वही कारण है, व्यवहार दशा में वही द्वैत है, परमार्थ दशा में वही अद्वैत है, द्वैताद्वैत है वही। इसका मतलब ये है कि संसार जिसको हम बोलते हैं, ये जगत, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी में सोना, चांदी, हीरा, मोती, स्त्री, पुरुष, ये सब परमेश्वर के रूप। आप इनको पाना चाहते हैं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप बड़े प्रेम से इनको प्राप्त कीजिए। हमारे अर्थ भी ब्रह्म ही है, काम भी ब्रह्म ही है, अर्थ जन्य सुख ब्रह्म है, काम जन्य सुख ब्रह्म है, धर्म जन्य सुख ब्रह्म है। तो आप असल में सुख पाना चाहते हैं, आपका ख्याल है धन से मिलेगा कि भोग से मिलेगा, कि धन से मिलेगा। हम आपके ख्याल की सराहना कर रहे हैं। पर जिस चीज को पाना है, उसके पाने का जो कायदा है, जो मर्यादा है, उसके अनुसार उसको प्राप्त कीजिए। व्यापार करके धन प्राप्त करो, उसके लिए एक तो अपने से बड़े व्यापारी का संग चाहिए हो, व्यापार शास्त्र की जानकारी चाहिए, लगन से व्यापार में लगना चाहिए, कभी घाटा हो कभी मुनाफा हो उसको सहते हुए चलना चाहिए। आप व्यापार करने चलोगे और ग्राहक आवेगा दुकान पर, उसके ऊपर क्रोध कर बैठोगे, कोई स्त्री आई आपकी दुकान पर और उसके प्रति काम चेष्टा करने लग जाए, किसी की चोरी कर लोगे, किसी की बेईमानी कर लोगे, तो आपकी दुकान चलेगी नहीं चलेगी? अरे ये बात आप ठीक ठीक अगर समझ जाओ तो आपको वेदांत की बात भी समझने में आवेगी। हो यही तो है और क्या है। आप जिसकी दुकान पर जाओ, उसका कुछ चुरा लो, उसको गाली देने लगो, हाँ उधार ले आओ तो पैसा न चुकाओ, तो फिर वो आपको अपनी दुकान में घुसने देगा? तो व्यापार के लिए भी क्रोध छोड़ना पड़ता है, जरा लोभ को कम करना पड़ता है। आप यदि ग्राहक को ये समझाने लग जाओ कि ये माल तुम हमसे खरीदोगे तो हमको ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है, इससे नहीं चलेगा। ग्राहक को भी समझाना पड़ेगा कि हमारा माल लेने में तुमको ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। अगर ग्राहक की भलाई नहीं देखोगे तुम, सिर्फ अपनी भलाई देखोगे, तो तुम्हारी दुकान चलेगी? तो अर्थ उपार्जन करने की भी, धन पैदा करने की भी एक मर्यादा है। और परसों तरसों एक जवान बालक हमारे पास था, उसने अपने घर की बात मुझे तो नहीं, प्रबुद्धानंद जी को बताई। उसने बताया कि मेरी माँ की उम्र 40-45 वर्ष की है
और मेरी पत्नी अभी 20-22 वर्ष की है। तो हमारी सास चाहती है कि 45 वर्ष की उम्र में मैं जितनी होशियार हूँ वो सारी होशियारी हमारी बहू में क्यों नहीं है। किसी की खिटखिट रहते हो घर में, किसी की खिटखिट रहते, बिल्कुल यही बात है ना। एक सज्जन आए वेदांत की जिज्ञासा लेके मेरे पास, मैं उनको समझाने लगा और पूछने लगे, समझाने लगा, तर्क पर तर्क, तर्क पर तर्क, 2-3 घंटे हो गए। तो किसी ने जाके उड़िया बाबा जी से शिकायत की कि 3 घंटे से मगज मार रहे हैं। तो वो महाराज अपनी कुटिया में से उठ के, जहां मैं बैठ के उनको समझा रहा अपनी कुटिया में, वहां आए उड़िया बाबा जी खुद आए और बोले कि 20 वर्ष में जो बात तुम्हारी समझ में आई उसको तुम 3 घंटे में समझाना चाहते हो। तो हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं ना, जो हम लोगों से चाहते हैं उसको ठीक ठीक समझना चाहिए। व्यापार करने के लिए व्यापार के बारे में जानकारी चाहिए, उस चीज की मांग कितनी है चाहिए, उसका उत्पादन कैसे होता है वो जानकारी चाहिए, उसका विक्रय कैसे होता है वो चाहिए, अपने से बड़े व्यापारी का संग चाहिए, तब ना आपको व्यापार में सफलता मिलेगी। तो ये थोड़ा एक दुकान खोली और पैसा बरस जाएगा। तो अर्थ के लिए भी कुछ मर्यादाएं होते हैं। पिलानी से एक सज्जन आए थे, वहां विद्या मंदिर है बिरला जी का, बड़ा भारी है वो। तो वो तुलनात्मक थीसिस लिख रहे थे कि वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जो साधन चाहिए है वही साधन हमको वैज्ञानिक खोज करने में भी चाहिए है। उनकी थीसिस का विषय ये था, बोले जैसे हम कोई साइंस की खोज कर रहे हैं और हम दुश्मन के बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर क्रोध है, द्वेष है, तो हमारी खोज गहराई में नहीं जा सकती। हमारी इंद्रियां चंचल हो रही हैं, वो देखा तो लेबोरेटरी में और मशीन लगा के हम देखेंगे तो ठीक नहीं दिखेगा। अरे ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, उपरामता नहीं होगी तो हमारी खोज गहराई से नहीं पहुंचेगी। और मान लो खोज करने में कभी गर्मी लग गई, कभी सर्दी लग गई, कभी कोई रासायनिक अंतर पड़ गया हो, अपने शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो उसको सह के खोज करनी पड़ती है, अपनी सफलता पर श्रद्धा रखनी पड़ती है कि हम जो खोज कर रहे हैं उसमें जरूर सफलता मिलेगी। अपने मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो बोले महाराज, ये वेदांतियों ने जो ये कहा कि वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि सत्संपत्ति चाहिए, वो तो हमको साइंस की खोज करने में, विज्ञान की खोज करने में भी उसकी जरूरत होती है। ये आपका साधन तो बिल्कुल वैज्ञानिक है। एक पति पत्नी का झगड़ा क्या था, वो कहते थे महाराज हम इसका कैसे विश्वास करें, ये तो बात बात में झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। अभी एक बात कह के जाए, आइडिया बिगड़ गया है ना। अब पति पत्नी का सुख कहा, जहां बीच में कपट आ गया, छल आ गया है,
और झूठ आ गया, बेईमानी आ गई, अंदर आ गया। तो महाराज काम के सुख के लिए, कामोपभोग के लिए भी परस्पर का विश्वास चाहिए है, परस्पर का हित चाहिए है। बिना विश्वास के भाई भाई कैसे रहेंगे? पति पत्नी का सुख कैसे मिलेगा बिना विश्वास? देखो काम शास्त्र की बात आप करना, यदि पत्नी को कुछ दे लेके खुश करना पड़े कि साड़ी ले जेवर ले, तो पति पत्नी का संभोग सुख अधम कोटि का हो जाएगा। यदि उसको मनाना पड़े माफ करो बाबा हम पांव छूते हैं, है? अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, यदि मना के उसको प्रसन्न करना पड़े तो संभोग का सुख मध्यम कोटि का होता है। यदि दोनों प्रसन्न हो, खुश हो, तब संभोग का सुख प्राप्त होता है। उसमें भी विश्वास की जरूरत पड़ती है, पत्नी पति पर, पति पत्नी पर विश्वास करे, एक दूसरे का भला चाहे, एक दूसरे की ममता हो मन में और अनन्यता हो, अनन्यता चाहिए। यदि पत्नी ने अपने को फ्री कर दिया बिल्कुल, अब उसका पति उसके ऊपर विश्वास करेगा तो पता नहीं बाबा कब किससे मिल जाए, कहाँ चली जाए, क्या ले जाए, किसके घर चली जाए। उससे फिर छिपा के भी रखना पड़ता है। तो चाहे धन कमाना हो आपको, धन में परमेश्वर है, वस्तु रूप परमेश्वर है और वो प्रत्यक्ष दिखता है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है वो तो करो। इसी से हम कहते हैं कि जो बड़े बड़े धनी लोग हैं उनको हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं, वो अर्थ सिद्ध है, वे अर्थ सिद्ध हैं, उनके पास अर्थ के रूप में परमेश्वर आ गया है, अपने में संतुष्ट हैं, बोले बाबा हम तुम्हारे संतोष को बिगाड़ना नहीं चाहते, तुम खूब संतुष्ट रहो, अर्थ ही परमेश्वर है। जो यज्ञ जागादि में लगे हुए धर्मात्मा लोग हैं, हम आपको सुनाते हैं, हमारे यहाँ एक बार रुद्राभिषेक था अभी बनारस में, तो ये हुआ कि काशी के जो बहुत बड़े धर्मज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, वो बुलाए जाएंगे उसमें। महाराज बुलाए गए, तो आके सिला हुआ कपड़ा तो पहनते नहीं, पांव में जूता पहनते नहीं, बस बस में लगाए आके बैठ गए। तो जब मैं गया वहां तो और जो पंडित थे ना, उन्होंने तो उसके प्रणाम किया, किसी ने ओम नमो नारायण आय किया, पर वो महाराज उठे नहीं, जहां से कहा अपने स्थान पर बैठे, क्योंकि वो धर्म सिद्ध है। बोला वो धर्म सिद्ध है, वो कहता हमको दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में तृप्त हैं, परिपूर्ण हैं। तो ये सोचना कि कोई अपनी निष्ठा छोड़ के हमारे पास आवे, हम वैराग्य वैराग्य की बात नहीं करते हैं, पूर्णता की बात करते हैं। आप जो कुछ कीजिए उसमें पूर्णता का अनुभव तो कीजिए, आपका रास्ता बिल्कुल ठीक है। तो संसार की जो वस्तुएं हैं वो प्रत्यक्ष होती हैं, प्रत्यक्ष माने इंद्रियों से उनका अनुभव होता है, उनको आप बुद्धि और कर्म दोनों लगा के मिला के उनका निर्माण कर सकते हैं। ये आपका शरीर जो है ना, इसमें दो चीज है, आप ध्यान से देख लो, एक तो कर्म है,
माने पांव से चलते हैं, हाथ से करते हैं, मुंह से बोलते हैं, लघु शंका करते हैं, शौच जाते हैं, ये कर्म भाग है, ये लेबोरेटरी है, वो कर्म विभाग है और एक ज्ञान विभाग है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, जीभ से चखते हैं, खट्टा मीठा पहचानते हैं, कोमल कठोर पहचानते हैं, दुर्गंध सुगंध पहचानते हैं, अच्छा को समझते हैं, ये ज्ञान विभाग। तो आपको यदि दुनिया में कोई भी काम करना है तो आप अपने ज्ञान विभाग और कर्म विभाग दोनों को मिला के काम कीजिए। आंख से देख लीजिए तब हाथ से उठाइए, कहीं बिच्छू न उठा ले हाथ में, हैं? ठीक ठीक समझ लीजिए तब भोजन कीजिए, कहीं जहर न हो, कहीं आपके शरीर के लिए हितकारी न हो। तो ज्ञान और कर्म दोनों को मिला के आपको प्रत्यक्ष वस्तु की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। आप सब्जी बनावे तो किसमें किस चीज की छौंक लगनी चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। ये चीज ढक के पकाना ठीक है कि खुली रख के पकाना ठीक है ये आपको मालूम रहना चाहिए। हो यदि सब्जी को हरी हरी रखना हो तो थोड़ा सोडा तो डाल का प्रयोग तो कीजिए, लेकिन उसको ढकिए मत। यदि आपको लौके का केले का साग बनाना हो तो लोहे के बर्तन में मत बनाइए, काला हो जाएगा। बर्तन भी ठीक चाहिए, मसाला भी ठीक चाहिए। नारायण, आपको केले का चिप्स बनाना हो, काट के उसको रख दिया तो काला पड़ जाएगा, उसको नमकीन पानी में गिराते जाइए, जो करते हो रहेगा। तो सब बात सीखनी पड़ती है। आप लोग ये जो सोचते हो कि सब काम तो हम सीख सीख के करेंगे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का जो काम है वो मनमाने ढंग से हो जाएगा, उसको सीखना नहीं पड़ेगा या उसकी कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टरी पास करने के बाद भी डॉक्टर के पास रह के प्रैक्टिकल डॉक्टरी सीखनी पड़ती है। वकालत पास होने के बाद भी वकील के साथ रह के बरस 6 महीने तक प्रैक्टिकल वकालत की शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। आप सोचते हैं हम किताब में पढ़ेंगे और पंडित हो जाएंगे, पोथी पढ़ पढ़ जग मोहा, पंडित भया को भाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। सब काम कायदे से होना चाहिए। अच्छा कहो, हम कर्म छोड़ देंगे? नहीं छोड़, काम करना पड़ेगा। कहो हम निष्काम हो जाएंगे? अरे निष्काम काय को हो जाओगे बाबा? तुमको चलने के लिए चाहिए, पहनने को लिए चाहिए, खाने को चाहिए। निष्काम निष्काम निष्काम, बेवकूफ लोग जब निष्काम बनते हैं तो अपना बहुत नुकसान करते हैं। वो निष्कामता में भी समझदारी चाहिए। समझो एक पत्नी है, उसको साड़ी की जरूरत है पहनने के लिए। उसने कहा कि हम अपने पति से तो बहुत निष्काम प्रेम करते हैं, अत्यंत निष्काम प्रेम है, भला पति से हम साड़ी मांगे? कहता मत मांगो, निष्काम हो तुम। तो बेवकूफ गई पड़ोसी के घर, बोली हम अपने पति से तो निष्काम भाव से प्रेम करते हैं, तुम हमको साड़ी लाके दे दो। बेवकूफी है कि नहीं है? अरे बाबा साड़ी चाहिए तो अपने पति से मांगो, पति से निष्काम हो। ये निष्कामता भी बेवकूफों के लिए बहुत हानिकारक है, समझते ही नहीं है कि निष्कामता क्या होती है। हर साल पे एक बच्चा होता है, बोले निष्काम भाव से दूसरे की गांठ काटते हैं, ब्लैक करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, कहते हैं निष्काम भाव से। तो बाबा बिना सोचे समझे ये रास्ता तय नहीं होता। काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। अब आपको देखो, काम करने में एक बात का ध्यान रखना है
आप झूठ बोलोगे तो आपका काम तो बन सकता है, कोई बात नहीं। दुनिया में बहुत लोग झूठ बोल के काम बना लेते हैं। जब लोगों को मालूम पड़ता है कि झूठ बोलता है तब काम बिगड़ता है। भगवान का नाम लेते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, स्तुति करते हो और अपना दिल गंदा किए जा रहे हो। अरे पहले की जो गंदगी है वही बहुत है, उसको दूर होने दो। और अपना दिल अगर गंदा करते जाओगे तो तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाठ है, वो तो वही हुआ ना, गजत स्नान हो गया। गजत स्नान हाथी ने सरोवर में स्नान किया, जब बाहर निकला तो फिर सूंड से दूध उठा के अपने ऊपर फेंक लिया, फिर ज्यों का त्यों। तो भाई मेरे, ये जो साधन होते हैं मोक्ष के रूप में भी वही परमात्मा है, भोग के रूप में भी वही परमात्मा है, धन के रूप में भी वही परमात्मा है, धर्म के रूप में भी वही परमात्मा है। जो लोग परमात्मा को पहचानते हैं वो बरगलाते नहीं है किसी को। कोई चाहता है धन और उसको कह रहे करो बैराग्य, छोड़ो धन, पहनो गेरुआ, तो वो सृष्टि का रहस्य, परमात्मा का रहस्य नहीं जानता। हाँ, कोई पहने हुए है गेरुआ और बोले अरे वो किस्मत के मारे क्यों गेरुआ पहन लिया, आजा ब्याह कर, तो वो परमार्थ को नहीं जानता है। जो जिस वस्तु को पाना चाहता है, जिस रास्ते से चलता है, जहां पहुंचना चाहता है, एक आदमी जाना चाहता है इंडिया गेट और आप उसको बोरीवली का मार्ग बताते हैं, तो ये आपकी गलती है। आपको अपना जो प्रिय है वही दूसरे के ऊपर लादना, आपके व्यवहार में गलती कहाँ है? जो आपको स्वाद लगता है वही चाहते हैं आपके दूसरा भी खाए, उसको स्वाद लगेगा। जो काम आपको अच्छा लगता है वही दूसरे से कराना चाहिए। जो बात बोलना आपको पसंद है वही आप चाहते हैं कि दूसरा भी बोले। ध्यान करने वाले को, कीर्तन करने वाले चाहते हैं कि ध्यान छोड़ दे कीर्तन करे, और कीर्तन करने वाले को ध्यान करने वाले चाहते हैं क्या बच्चों के खेल में लगा, आजा ध्यान कर। तो भाई ध्यान एक दूसरी चीज है, कीर्तन एक दूसरी चीज है। किसी को दुनिया में बरगलाने की जरूरत नहीं है। वो जहां बैठा है, जहां पहुंचना चाहता है, उसकी अगर तुम कुछ मदद कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो, उसको उसकी जगह से हटा देना चाहते हो, उसको उसके लक्ष्य से विमुख कर देना चाहते हो, तो ये कोई कायदे की बात नहीं है। एक सज्जन है, वो खादी की टोपी लगाते हैं, धोती पहनते, कुर्ता पहनते हैं। अब उनका बेटा जो है वो बड़े बड़े बाल रखता है और यहाँ तक का वो जो होता है ना वो पहनता है, और ये घुटने, अब उनको बड़ा दुख है। वो अपने बेटे को रोज डांटते हैं, रोज लड़ाई होती है। हमने उनसे पूछा कि तुम्हारे पिताजी और दादाजी कैसे पहनते थे कपड़े? बोले पिताजी तो सिर पे पगड़ी बांधते थे। तो मैंने कहा तुमने पगड़ी छोड़ के टोपी क्यों पहनी? तो तुम्हारे पिताजी तो बगल बंदी बांधते थे, अब तुम कुर्ता क्यों पहनते हो? जब तुमने अपने पिताजी की पोशाक छोड़ के अपने लिए तो नहीं बदल ली, अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी पोशाक छोड़ के नई पोशाक पहनना चाहता है तो तुम उसके ऊपर क्यों नाराज होते हो? भाई तुम्हारे पिताजी तो चौके में बैठ के खाते थे, तुम मेज पर बैठ के खाते हो,
अब तुम्हारा बेटा होटल में जाए तो तुमको रोकने का क्या हक हुआ? वही 50 बरस पहले वाली बात बनी रहे, इसके कारण मन में बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है, साधन न बजा। थोड़ा समझना चाहिए, बात को समझना चाहिए। तो ये जितना दुख होता है हमारे जीवन में, हम जो धन चाहता है उसको भोगी बनाना चाहते हैं, जो भोग चाहता है उसको धनी बनाना चाहते हैं, जो धन और भोग चाहता है उसको धर्मात्मा बनाना चाहते हैं, और जो धर्मात्मा है उसका धर्म कर्म छुड़ा के बाबाजी बनाना चाहते हैं, जो बाबाजी है का माने हम इतना परिवर्तन चाहते हैं। आपको फकीरों की बात सुनाता हूँ। मैंने एक बार एक महात्मा से पूछा, हमारी उस समय 20-22 बरस की उम्र रही हो, महाराज हम अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन कर लें तो आप हमको पसंद करेंगे, कितना बदल लें? अब देखो कितना बदल लें। तो बोले देखो, हमारा मन और तुम्हारा बदलना दोनों कभी एक नहीं। जितना जितना तुम बदलते जाओगे हम और बदलना चाहेंगे, उसका तो कहीं अंत नहीं मिलेगा। तो हम अपने को विक्षिप्त क्यों करें, पागल क्यों बनावे, और तुमको पागल क्यों बनाए? तुम जैसे हो वैसे ही हमारे बहुत प्यारे हो, हमको बहुत पसंद हो, है ना? हम तुमको इसी रूप में पसंद करते हैं। देखो आपका मन बन जाता है कि नहीं बन जाता है। अपनी जिद दूसरे के ऊपर चलाना ये दुख का कारण हो जाता है। हम दूसरे को अपने मन के अनुसार बनाना चाहते हैं। अरे बाबा तेरे भाव जो करो बलो करो संसार, नारायण तू बैठे अपनो भवन तुम्हार। ये है कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। कर्म का मार्ग अपने हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए है। अपना हृदय अगर शुद्ध हो जाए तब शुद्ध हो। एक आदमी झाड़ू लगा रहा था घर में, अब वो बार बार झाड़ू लगावे पर गंदगी दूर न हो, फिर धूल। किसी समझदार आदमी ने देखा, बोला कि बाबा तुम घर को तो साफ करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा झाड़ू जो है वो तो गंदा है, गंदे झाड़ू से घर साफ करोगे तो उसमें धूल गिरेगी। तो यदि तुम्हारा मन ठीक नहीं होगा तो तुम दूसरे को ठीक करने जाओगे वो भी बिगड़ जाएगा। सीखो सही, कुछ सीखो। देखो आप वैकुंठ में जाना चाहते हो तो आपने न वैकुंठ देखा है न वैकुंठनाथ को देखा है। अनमिला तो साजन है, जिसको आप चाहते हो वो आपसे मिला नहीं है कभी, और उसके पास पहुंचने का जो रास्ता है बन जाना है, कभी उस पर गए नहीं हो। तो अनमिले साजन से मिलने के लिए और अनजाने रास्ता से चलने के लिए आपको रास्ता दिखाने वाले की जरूरत है। व्यापार के लिए बड़े व्यापारी की जरूरत है। हो हमने देखा यहाँ व्यापारियों के गुरु, हम सवेरे मेरे ड्राइव पर घूमने के लिए आते थे, क्या नाम गोविंद राम सेक्सरिया है, महाराज मेरे ड्राइव पर चलते थे, उनके साथ 10-20-50 जने हो महाराज। हाँ हाँ, जैसे साधुओं के साथ चेले लोग चलते हैं वो ऐसे उनके साथ चेले लोग चलते थे। और चाहे तो वो किसी चीज का भाव बढ़ रुई का भाव बढ़ा दे ही घटा दे, उसके बाएं हाथ का खेल था। बाजार को अपने काबू में रखने की कला मालूम थी तो सब लोग सीखते थे। हाँ फोन आते थे, के भाव है जी, हरी के धारणा है, ध्यान धारणा तय होती सवेरे हो प्रातः काल उठ के ध्यान धारणा तय। अब आप लोग सोचो ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हो और आप किसी जानकार का आश्रय नहीं लेते, आपकी ध्यान धारणा सवेरे तय नहीं हो जाती, आप तो छल करते हो बाबा, कपट करते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो और चाहते हो आप ठीक रास्ते पर चले।
तो विश्वास, एक बताने वाला चाहिए, एक विश्वास चाहिए, एक जानकारी चाहिए, एक उसके लिए कुछ करना चाहिए। पहले तो बैकुंठ और बैकुंठ नाथ पर विश्वास करो, फिर वहां चलने का निश्चय करो, फिर जानकार से मार्ग तय करो और फिर उस पर चलो। अब आप बैकुंठ नाथ के पास पहुंच जाओ। अच्छा महाराज, एक ऐसी चीज है जिसके लिए न तो आंख पर दूरबीन लगाना है, न खुरदबीन लगाना है। हमको मालूम नहीं उसको क्या, आप लोग आजकल क्या, वो हमारे तो बचपन की भाषा उर्दू में सुना है, एक दूरबीन होता है एक खुरदबीन होता है। हाँ, तो आंख पर हमने दूरबीन लगा के दूर की चीज देखी है, वो दूरबीन बोलते हैं उसको। ओ पहाड़ देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, बिहारी जी का दर्शन करने भी जाते हैं तो कभी कभी लगा लेते हैं दूरबीन की, ठीक देख। अच्छा, खुरदबीन बहुत महीन चीज को बड़ा दिखाने वाला जो होता है ना, खुरदबीन बोलते हैं, शुद्र वीक्षण जन, कभी वो लगा के देखते हैं। लेकिन जो हमारे भीतर वस्तु है परमेश्वर, उसके लिए खुरदबीन की दूरबीन की जरूरत नहीं। उसको देखने के लिए आंख दूसरी चाहिए। उसमें पहली शर्त यह है कि आप दूसरी चीज को देखने का जो अभ्यास पड़ा हुआ है उसको काम करो, बंद करो। अपने भीतर वाली जो चीज है उसको देखने के लिए बाहर की चीज देखने का जो अभ्यास पड़ा हुआ है, बाहर की वस्तुओं से मुहब्बत है, दुश्मनी है, देखने का अभ्यास है, उसको काम करो। हमने परसों तरसों कहा कि भाई किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, तो शिकायत ये आई कि भला ऐसा हो सकता है, निंदा किए बिना कोई कैसे रह सकता है, रह ही नहीं सकता। भला कोई मनुष्य बिना निंदा किए रह सकता है? मैंने कहा भाई हम कालबा देवी की सड़क पर नहीं बोलते हैं, है ना, हम चौपाटी पर नहीं बोलते हैं। जो भगवान के रास्ते चलना चाहते हैं उनको बाहर की दृष्टि छोड़नी पड़ेगी, निंदा स्तुति छोड़नी पड़ेगी, राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा, उनको दुनिया की भलाई बुराई छोड़नी पड़ेगी। आप तो टार्च लेके देखते हैं ना, आपसे टार्च जलाया फिर आंख से देखी बाहर की चीज। बिल्ली के पास टार्च होती है, अरे अंधेरे में महाराज बिना टार्च ही के देख लेती, आंख कहीं से देख लेती। और योगी को आंख ना हो तब भी देख लेता। अपने भीतर जो परमात्मा है उसके लिए न बाहर के टार्च की जरूरत है, न बाहर की आंख की जरूरत है। सूरदास को भी भगवान का दर्शन होता है। तो न तो बाहर का धन या भोग प्राप्त करना है, न तो स्वर्ग बैकुंठ में जाना है। यदि आपको आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो जरा भीतर की ओर नजर कर लीजिए। और भीतर की ओर नजर करने का मतलब है कि बाहर के अच्छे को बुरे को दिखते हैं तो देखने दीजिए, लेकिन ज्यादा गौर से मत देखिए, ज्यादा गौर से उनको मत देखिए। देखिए उनका संस्कार अपने चित्त में मत लीजिए। देखिए भीतर देखने वाला कौन है, देखने वाले में वो समाया हुआ है जिसको आप पाना चाहते हैं। जिसने ये सृष्टि बनाई है वो कहाँ रहता है? वो आपके हृदय में रहता है। जो सृष्टि का पालनहार है वो कहाँ रहता है? आपके हृदय में रहता है। संहार करने पर जिसमें ये सारी सृष्टि लीन हो जाती है वो कहाँ रहता है? आपके हृदय में रहता है। तो बाहर की दूरबीन खुरदबीन को बाहर छोड़ दीजिए, आपको जहां की तहां रहने दीजिए। हम आपको ईश्वर दिखाते हैं, वो ईश्वर दिखाते हैं। हाँ, आपके बारे में हमारा आइडिया ऐसा हो कि आप नहीं देखना चाहते हैं, हम काय को दिखावे? ये कौतूहल से नहीं होता है, कौतुक से नहीं कि हम तमाशा देख लेंगे कि ईश्वर कैसा है। तमाशा देखने वालों को ईश्वर नहीं दिखता है। ये कोई खाला का घर नहीं है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना। देखो आपकी बुद्धि कभी काम करती है और कभी सो जाती है।
कभी गलत काम भी करते हैं, बोला आपकी बुद्धि कभी गलत विचार करती है, कभी ठीक विचार करती है, कभी विचार नहीं करती है, विश्राम करती है। तो बुद्धि एक मशीन की तरह काम करती है, कभी मशीन खटखट करने लगती है, कभी बिल्कुल ठीक ठीक चलती है, कभी उसको विश्राम देने के लिए बंद करना पड़ता है। तो ये तीनों काम आपकी बुद्धि करती है, कभी विश्राम करती है, कभी सही काम करती है, कभी गलत काम करती है। इन तीनों के पीछे जो बिजली की तरह सर्वशक्तिमान परमेश्वर बैठा हुआ है, वो बुद्धि को पकड़ के सुला देता है, वो बुद्धि को शक्ति देता है काम करने के लिए। जरा उसकी ओर देखो, आपकी बुद्धि दुनिया का काम कर रही है नहीं कर रही है, और ईश्वर उसको शक्ति दे रहा है, और आप ईश्वर को और बुद्धि को दोनों को देख रहे हैं या नहीं? बुद्धि को नहीं देख रहे हैं, ईश्वर को देख रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। आओ परमेश्वर को देखो, वो आपकी बुद्धि का अंतर्यामी है। धियो यो न प्रचोदया, आपकी बुद्धि का प्रेरक है। तो आप बुद्धि क्या खेल रच रही है दुनिया में, उस खेल को देखना छोड़ दीजिए, छोड़िए थोड़ी देर के लिए छोड़िए, और बुद्धि को भी देखना छोड़िए, और फिर जो नचा रहा है उसको देखिए। आप चाहे, आपकी मर्जी हो, तो जिस ईश्वर को देख रहे हैं उससे एक हो जाइए, आपकी भक्ति हो जाएगी, वो इसका नाम भक्ति है। ईश्वर से हम अपने को ईश्वर से एक कर दें, इसका नाम भक्ति है, और ईश्वर को अपने से एक कर लें, ईश्वर को अपने में मिला ले तो ज्ञान हो जाएगा, और अपने को ईश्वर में मिला दे तो भक्ति हो जाएगी। लेकिन ये सारी साधना चाहे कर्म की हो, चाहे भक्ति की हो, चाहे ज्ञान की हो, एक ईमानदारी की अपेक्षा रखती है, और दूसरे के ऊपर इसमें जब तक नजर रखोगे तब तक न धर्म सिद्ध होगा, न भक्ति सिद्ध होगी, न ज्ञान सिद्ध होगा, योग सिद्ध होगा। सबसे बढ़िया बात यही है, आपके भीतर जो रस रहस्य है, जो सार सार है, जो तत्व तत्व है, उसको पहचानिए, उसका नाम लीजिए, जप कीजिए, उसके रूप का ध्यान कीजिए, उससे प्रेम कीजिए, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए, उसमें अपने को मिला दीजिए, उसको अपने में मिला लीजिए। लेकिन ईश्वर के रास्ते में चलना है भाई, तो ठीक ठीक ईमानदार होकर चलना चाहिए। बेईमान के लिए ये रास्ता नहीं है, झूठे के लिए नहीं है, छली कपटी के लिए नहीं है। अपना भी टाइम काय को बेकार करो, दूसरे का भी क्यों बेकार करो। जो तुम्हें चाहिए, ब्याह चाहिए तो ब्याह करो, पैसा चाहिए तो पैसा कमाओ, और परमेश्वर को चाहिए है तो जरा अपने दिल को टटोलो, वहां बैठा हुआ है, मिलेगा मिलेगा। ओम शांति।